हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर थर्ड रीड करेंगे और उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर थर्ड का हेडिंग है शब्द विचार। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, फूल, पेड़ आदि। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। और ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलता है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। जो आवाज़ निकलती है हमारे मुँह से उसे ध्वनि कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। तो दो या तीन या चार जितने भी वर्ण या अक्षर हैं इनके मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। जैसे घर, फूल, पेड़ आदि। मतलब घ और र, जैसे देखिए घ प्लस र इक्वल टू घर, तो ये एक शब्द बन गया। तो इनके मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। व्यक्ति भाषा का प्रयोग मन में उपजे भाषों अथवा विचारों को प्रकट करने के लिए करता है। ऐसे में उसके विचार वाक्यों के रूप में मुख से बाहर आते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के योग से बनता है, अतः शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा है। व्यक्ति भाषा का प्रयोग मन में उपजे भाव या विचार को प्रकट करने के लिए करता है। भाषा का उपयोग क्यों करता है एक मनुष्य? अपने मन के भावों को या अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए। ऐसे में उसके विचार वाक्यों के रूप में, अब मैं अगर आपने कोई विचार आपके सामने प्रकट करना चाह रही हूँ तो कैसे करूँगी? एक वर्ड में तो हो नहीं सकता, एक अक्षर में हो नहीं सकता, ये किसी शब्द में नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे एक प्रॉपर सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? वाक्य। जब हम अपने मन के विचार प्रकट करते हैं तो एक वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं, एक सेंटेंस के रूप में प्रकट करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के योग से बनता है, और वो भी सार्थक शब्दों के योग से, निरर्थक नहीं। मतलब निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब अंट शंट कुछ भी बोलना, अनयूजुअल लैंग्वेज यूज़ करना। तो सार्थक शब्द मतलब जिनका कोई मीनिंग निकले, जिनका कोई अर्थ हो। ऐसे शब्दों के योग से ही शब्द और वाक्य का निर्माण होता है। अतः शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा है। भाषा की वास्तविक संपदा मतलब असली संपत्ति क्या है भाषा की? वाक्य। मतलब पूरा वाक्य होगा तो ही भाषा प्रॉपर रहेगी, वही उसकी वास्तविक संपदा है। सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग हो जाते हैं और वाक्य में आकर अर्थवान बन जाते हैं, जैसे टिम टिम, खिच खिच, खाना वाना, पानी वानी आदि। अब भाषा कैसे शब्दों से बनती है या वाक्यों से बनती है? सार्थक शब्दों से, सार्थक वाक्यों से। लेकिन कभी कभी क्या है कि बहुत से निरर्थक शब्द भी यूज़ हो जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जैसे हम लोग कोई भी बात कह रहे हैं या कोई वाक्य कह रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? खाना वाना खा लिया। जैसे मैंने पूछा, बच्चों आपने खाना वाना खा लिया, तो ये खाना वाना क्या हुआ? निरर्थक शब्द हो गया। अब खाना वाना का कोई अर्थ निकलता है? नहीं। पानी वानी पी लिया? नहीं। जबकि पानी क्या है? सार्थक शब्द है। खाना सार्थक शब्द है। अब वाना और वानी ये निरर्थक शब्द हैं। बोलचाल में, आपसी में ये यूज़ हो जाते हैं, तो ये शब्द कैसे होते हैं? निरर्थक। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति मतलब रचना, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण उसमें है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के पांच भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त मतलब संस्कृत के बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ये शब्द हैं, ये शब्द ज्यों के त्यों व्यवहार में आते हैं, जैसे पुष्प, पुस्तक, नासिका, ग्रह। अब आपने जैसे घर का पर्यायवाची अपन ग्रह भी लिखते हैं, फूल का हम पुष्प लिखते हैं, और किताब को पुस्तक बोलते हैं, नाक को नासिका। तो ये क्या वर्ड है? चारों संस्कृत के वर्ड है, लेकिन ये हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब इसमें नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे कर्पूर, तत्सम का कपूर तद्भव, अग्नि का आग। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसे एक्सप्लेन करके। हमने लिखा कपूर, ये क्या है? एक हिंदी वर्ड है कपूर, जो हमारी पूजा में यूज होता है। जब हम पूजा अर्चना करते हैं तब कपूर का यूज होता है। तो ये क्या वर्ड है? तत्सम वर्ड है। अब इसका मैं आपको तद्भव रूप बताती हूं। कर्पूर संस्कृत में से क्या कहा जाता है? कर्पूर, मतलब जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, तो ये इसका तद्भव रूप है। अब इस थर्ड है इसमें देशज।
जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए वे देशभ शब्द कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति तथा विकास जनमानस के बीच होता है तथा इनकी उत्पत्ति अथवा मूल भाषा के शब्द में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जैसे बेटा, जूता, लोटा, डिबिया, गाड़ी आदि। अब देशभ शब्द क्या हैं जो हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए? जैसे मैंने आपको जब बोली का हेडिंग समझाया था तो उसमें क्या कहा था, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। तो ये जो बोलियों में यूज़ होते हैं वर्ड वो हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे बेटा, जूता, लोटा, डिबिया, ये इसके उदाहरण हैं। विदेशी भाषा, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा ना थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया है ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कुली, बेगम, टेबल, ताश, हुक्म, तौलिया, चाकू आदि। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं? बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी में जो ना तो हमें लगता है कि वो इंग्लिश के वर्ड हैं और ऐसा लगता है ये हिंदी के भी वर्ड हैं। अब ऐसे कौन से वर्ड होते हैं मतलब उसमें हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं, उसे ऐसे ही अपना लिया जाता है हिंदी भाषा में, तो वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर आप इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हम चिकित्सक के पास जा रहे हैं अपने आप को दिखाने, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप ऐसा कहते हो क्या नॉर्मल यूज़ में कि हम चिकित्सक के पास जा रहे हैं? नहीं। तो ये ऐसे वर्ड हैं, डॉक्टर, स्टेशन, टेबल, ताश, ये क्या है, विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। अब इसमें लास्ट है मिश्रित शब्द, जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग दूसरी भाषा के योग से बनाओ उन्हें मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। अब मिश्रित शब्द क्या होते हैं, जो दो टुकड़े होते हैं और दो टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, मतलब एक शब्द किसी और का और दूसरा शब्द किसी और भाषा का, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे रेल और गाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, ये देखिए रेल प्लस गाड़ी इक्वल टू रेलगाड़ी, ये क्या हो गया, मिश्रित शब्द हो गया। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए आपकी बुक में तत्सम और तद्भव, जैसे अग्नि को तद्भव में क्या बोलते हैं, आग, अंधकार को अंधेरा, तो ये तत्सम शब्द के रूप है और ये तद्भव शब्द जो संस्कृत में बोले जाते हैं। तो ये आपको पूरी एक टेबल दी गई है, आप इस जब मैं आपको ये वीडियो सेंड करूँगी तो आप वीडियो जब देखेंगे मेरा तब बुक खोलकर सामने बैठिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाएगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। तो ये है तत्सम शब्द और ये तद्भव शब्द, आप इसे पूरा रीड करिए और समझिए कि किस वर्ड तत्सम शब्द कैसे होते हैं और तद्भव कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें देशज शब्द, रोटी, पानी, चाट, चुटकी, सरपट, लोटा, हलवा, पटाखा, डिबिया, गोल, कलाई, ताला, कौड़ी, उटपटांग, ये कौन से शब्द हैं, देशज शब्द हैं। इसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, मैंने आपको कुछ नॉर्मल वर्ड जो हैं वो बोलकर बता दिए हैं, आप इसे पूरा रीड करिए। इसमें ये जितने भी शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। अब इसमें नेक्स्ट है विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द, बटन, मीटर, कैमरा, अपील। अब इसमें देखिए एक हेडिंग है अरबी शब्द, काजी, कानून, करामत, खजाना, रिश्वत, ये कौन से हैं, अरबी शब्द हैं। अब इसमें है फारसी शब्द, चुगली, चीलम, चश्मा, प्याला, जनाना, फिर है पुर्तगाली शब्द, साबुन, गमला, फीता, कारतूस, ये तीन चार तरह के शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द में अरबी शब्द, फारसी शब्द और पुर्तगाली शब्द, आप इन्हें रीड कीजिएगा। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर वर्गीकरण, व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट, इसका आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं, फर्स्ट है रूढ़, सेकंड यौगिक और थर्ड योगरूढ़। फर्स्ट है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, जैसे देश, हाथी, घोड़ा, मोर आदि। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन से होते हैं वो, देश, हाथी, घोड़ा, मोर आदि। अब सेकंड है यौगिक शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रति प्लस दिन इक्वल टू प्रतिदिन, सेना प्लस पति इक्वल टू सेनापति, मतलब दो वर्ड यूज होते हैं इसमें, दो शब्दों के मेल से बनते हैं ये, प्रति, प्रति मतलब रोज, और दिन, प्रतिदिन, तो प्रति क्या हो गया रोज, प्रति का मतलब क्या होता है रोजाना, और दिन यानी दिन कोई एक दिन, तो प्रतिदिन मतलब होता है रोजाना, रोज करना प्रतिदिन नियम से।
अब ये कौन से दो शब्दों से मिलकर एक प्रति और एक दिन, तो ये हो गए यौगिक शब्द। अब नेक्स्ट है इसमें योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे चारपाई, चार पाँव वाली। ये शब्द चारपाई का केवल खाट के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः यह खाट के लिए रूढ़ हो जाने के कारण योग रूढ़ हो जाता है। इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं पंकज, पीताम्बर, दशानन, लंबोदर आदि। अब यौगिक योग रूढ़ शब्द होता है जिसका यौगिक रूप किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, योग रूढ़ शब्द। जैसे चारपाई दिया है इसमें, मतलब चार पाँव वाली, तो उसे क्या कहेंगे हम, चारपाई। अब इसमें बहुत से वर्ड है, जैसे पंकज, पीताम्बर, पीत प्लस अंबर इक्वल टू पीताम्बर, दशानन मतलब दस सिर वाला, तो इसमें ऐसे वर्ड हैं, लंबोदर। अब नेक्स्ट है इसमें अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेदों में बांटा गया है, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी। अब एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, गाय, बकरी, लोहा आदि। एकार्थी शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब जैसे गाय, तो एक गाय है, पुस्तक एक पुस्तक, बकरी एक बकरी, तो ये क्या होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं। अब अनेकार्थी, भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर के दो अर्थ हैं, दिशा विशेष और जवाब। अब देखिए, अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके एक अर्थ से ज़्यादा अर्थ निकले, मतलब एक ही अर्थ नहीं निकले उसका। अब इसमें इसका उदाहरण दिया है उत्तर, तो उत्तर क्या है, आपकी दिशा भी है और उत्तर का मतलब होता है आंसर, मतलब अर्थ। जवाब, जो अपन जैसे सवाल का जवाब दिया जाता है या उसका उत्तर दिया जाता है, किसी प्रश्न का उत्तर, प्रश्न उत्तर बोलती हूँ ना मैं आपको, तो इसमें उत्तर के दो अर्थ होते हैं, एक उत्तर दिशा और एक उत्तर मतलब जवाब। अब इसमें नेक्स्ट है समानार्थी है पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। समानार्थी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द। जब आपके इसमें कोर्स में पर्यायवाची शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द है सूर्य, उसके पर्यायवाची कितने होते हैं, सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, ये क्या होते हैं, इसके समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, समानार्थी शब्द। जैसे जल का जल और पानी। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, वाक्यों में प्रयोग करने पर प्रायः शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाया करता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। इस परिवर्तन को शब्द में विकार की संज्ञा दी जाती है। कुछ शब्द जैसे आज, धीरे, तेज, कल आदि में किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता, ऐसे अपरिवर्तनीय शब्द अविकारी होते हैं। अब देखिए, इसमें प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी। तो पहला है विकारी, वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। अब विकारी शब्द क्या होते हैं कि वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन या कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, मतलब लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार या कारक के अनुसार जब शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, विकारी शब्द। जैसे लड़का जाता है, ये वर्ड है, तो हमने उसको वचन और कारक में चेंज कर दिया, एक वचन बहुवचन में बदल दिया या पुरुष के अनुसार या फिर कारक में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया वो, लड़का, लड़के जाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, एक पहला है संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण, फोर्थ क्रिया। अब नेक्स्ट है इसमें अविकारी शब्द, वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। अब अविकारी शब्द क्यों होते हैं, जो वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है और लड़के भी धीरे धीरे चल रहे हैं। दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन, अब इसमें धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन आया है? नहीं, धीमे धीरे धीरे मतलब धीमे धीमे चलना, अतः ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के निम्नलिखित चार भेद हैं, इसके चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इसमें नेक्स्ट है शब्द और पद, साधारणतः शब्दों को ही पद कहते हैं, जैसे शेर, मेरा, आम, पुरुष, स्त्री आदि। उसे समय तक शब्द रहते हैं जब तक वे स्वतंत्र है, परंतु जब शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश का भाग बन जाते हैं तब स्वतंत्र शब्द पद कहलाते हैं। अब शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है जो कि वर्णों से मिलकर बनता है, और पद क्या होता है, जब शब्द किसी वाक्य में वाक्य का भाग बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक पद बन जाता है। पद किसको कहते हैं, जब शब्द किसी वाक्य का अंश बन जाता है।
तो स्टूडेंट आपके इस चैप्टर में यही सब है, शब्द विचार मतलब शब्द और वाक्य, शब्दों के वर्गीकरण, इन्हें ही समझाया गया है। आप इसे पूरा रीड कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए मेरे वीडियो के द्वारा, जो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी। वीडियो के दौरान आप अपनी बुक खोल कर रखें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। इसकी बुक की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी, आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।